मासूम से दरिंदगी। पड़ोस के ही एक युवक पर 8 माह की मासूम बच्ची को गोद खिलाने के बहाने घर ले जाकर हैवानियत का आरोप। बच्ची के शोर मचाने पर आरोपी फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस। परिजन मासूम को लेकर कोतवाली पहुंचे। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। आरोपी फरार। पुलिस गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी। मासूम बच्ची के साथ हैवानियत भरी दरिंदगी का पूरा मामला गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के गांव कासिमपुर ललनोई का है, जहां पर गुन्नौर कोतवाली के गांव दुबारी कला की एक मासूम बच्ची अपनी मां के साथ ननिहाल गांव कासिमपुर ललनोई आई हुई थी, जहां पड़ोस का ही एक युवक 8 माह की मासूम बच्ची को गोद खिलाने के बहाने घर ले गया। आरोप है कि युवक ने मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना डाला, जिससे खून से लथपथ बच्ची के रोने चीखने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग मौके की ओर दौड़े। इस बीच आरोपी मौका पाकर फरार हो गया। दिन दहाड़े हुई वारदात की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आरोपी फरार होने में कामयाब हो गया। अपर पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार जायसवाल ने बताया कि पीड़ित परिवार की ओर से तहरीर मिल गई है। ये जो आप बच्ची को मेडिकल के लिए ले गए, क्या है पूरा मामला? ये अपनी ननिहाल में गई हुई थी, ग्राम कासिमपुर ललरोई में, थाना गुन्नौर पड़ता है। तो वहाँ जो एक पड़ोसी उमेश अनूप चंद्रपाल नाम का लड़का जो था, उसे खिलाने के बहाने ले गया। सो रही थी, उसे ले गया अपने छत पे जा करके। इसका काफ़ी देर तक जब बच्ची नहीं आई वहाँ से वापस, तो रोने की आवाज़ सुनी, तो ये हमारे साले की छोटी वाली 2 बेटियों को भेजा कि जाओ लड़की को ले आओ। वहाँ जा करके देखा तो ये ब्लड में लथपथ थी। तो उसने आवाज़ लगाई कि बुआ जी इधर आओ जरा, ये क्या कर रहा है बदतमीजी। इतने में वो लड़का तो भाग गया वहाँ से, लेकिन जब जाके देखा तो ये ब्लड में लथपथ थी। तब जा करके मैं भी बाद में पहुँचा। वहाँ पहुँचने के बाद जो है, तो क्या इसके साथ में दुष्कर्म की वारदात की? दुष्कर्म की, बिल्कुल बिल्डिंग हो रही थी, पूरे दुष्कर्म ही किया है। तो आप क्या आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है? अभी नहीं किया है पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार। सर, एक थाना कोतवाली गुन्नौर क्षेत्र में एक दुष्कर्म का मामला सामने आया है, क्या है पूरा मामला? थाना कोतवाली गुन्नौर क्षेत्र में एक गांव में एक 8 माह की बच्ची को उसके घर से खिलाने के बहाने एक व्यक्ति ले गया और उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। पड़ोस का ही था, बच्ची के रोने की आवाज़ पे घर के लोग पहुँच गए, फिर वो आदमी भाग गया। घर वालों के तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत है, बच्ची का मेडिकल कराया गया, उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हैं, बहुत जल्दी उसको गिरफ्तार किया जाएगा।